नमस्कार। ये चार आदतें आपको ऑफिस में बनाती है सबका दुश्मन। अगर आप ऑफिस में ये चार आदतें करते हो ना, तो आपको लोग आपके सामने, आपके मुंह के सामने तो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन आपके पीठ पीछे आपकी बहुत बुराई करेंगे। आपकी इमेज ऑफिस में एक दुश्मन की तरह हो जाएगी। आपके सामने तो सब आपको अच्छा बोलेंगे, लेकिन पीठ पीछे आपकी सब बुराई करेंगे। तो वो कौन सी है आदतें, देखते हैं अपन। नंबर वन, चुगलखोरी। अगर आप ऑफिस में चुगलखोरी करते हो ना, तो ये सबसे बुरी आदत है आपकी। बहुत से लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की चुगलखोरी करते हैं। कभी बॉस से चुगलखोरी करते, कभी किसी से चुगलखोरी करेंगे। दोस्तों, ऑफिस में हमेशा ध्यान रखें, किसी की चुगलखोरी ना करें, अपने काम से काम रखें। अगर आप किसी की पीठ पीछे या किसी दूसरे के लिए अगर आप चुगलखोरी करोगे ना, तो कहीं ना कहीं वो बात उस सामने वाले के पास पहुंच जाएंगी और आपकी इमेज बहुत ख़राब हो जाएगी। भले वो आपको मुंह के सामने कुछ न कहे, लेकिन पीठ पीछे आपकी हमेशा बुराई करेगा। सेकंड, दूसरे लोगों के काम की कद्र नहीं करना। आपको पता है ना, जब आप अपना कार्य करते हो ना, और जब कोई आपके कार्य की कद्र नहीं करता है ना, तब आपको कितना बुरा लगता है। हमेशा दूसरे के काम की इज्जत करें, उसके काम की तारीफ करें, कभी दूसरे के काम की आलोचना ना करें ऑफिस में। अगर आप किसी दूसरे के काम की आलोचना करेंगे ना, तो पीठ पीछे वही लोग आपके काम की भी आलोचना करेंगे। इसीलिए ऑफिस में हमेशा ध्यान रखा है, अपने काम से काम करें, और हमेशा कोई दूसरे काम करते हैं ना, तो उनकी हमेशा प्रशंसा करें और उनको मोटिवेट करें, उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें। तभी आप ऑफिस में सबके चहेते बनेंगे, वरना आप ऑफिस में सबके दुश्मन बन जाएंगे। थर्ड, दूसरों के काम में दखल देना। कभी भी ऑफिस में दूसरों के काम में दखल ना दें। अपना काम जो अपन को मिला है, वही काम 100% पूरा करें और पूरी ईमानदारी से करें। अगर आप किसी के दूसरे के काम में दखल दोगे ना, तो वही व्यक्ति जब आपके काम में भी दखल देगा, तो आपको कितना बुरा लगेगा। इसलिए हमेशा अपने काम से काम रखें, किसी के दूसरे के काम में टांग ना अड़ाएं। वो अपना काम कर रहा है, अगर वो काम गलत करेगा तो उसको बॉस कुछ भी कहेगा, बॉस उसको डांट देगा। लेकिन आपको क्या अधिकार है कि किसी के काम में गलती निकालना, किसी के काम में टांग अड़ाना। आप अपना काम करें, और अगर आप यही आदत रहेगी ना, तो लोग आपको नहीं चाहेंगे और पीठ पीछे आपको हमेशा गालियां देंगे, आपकी बुराइयां करेंगे। फोर्थ, अपने पद का गलत इस्तेमाल करना। अगर आप ऑफिस में बॉस है ना, तो कभी भी अपने आप को बॉस जताने की कोशिश ना करें, अपने पद का कभी गलत इस्तेमाल ना करें। आप बॉस हो तो क्या आप ऑफिस में लेट आएंगे? आप बॉस हो तो क्या ऑफिस में जल्दी चले जाएंगे? ऐसा नहीं करें। ऐसा करोगे ना, तो आपकी इमेज बहुत खराब बन जाएगी और आप ऑफिस में सबके दुश्मन बन जाएंगे। होना तो ये चाहिए कि आप ऑफिस में अपने आप को एक मिसाल कायम करें। सबसे पहले जल्दी आए और सबके जाने के बाद में आप जाएं। अपने पद की गरिमा बनाए रखें। अगर आप अपने पद की गरिमा नहीं बनाए रखेंगे ना, तो आप ऑफिस में सबके दुश्मन बन सकते हैं। भले आप बॉस हैं, सबके सामने आपको आपके कर्मचारी कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे तो आपको हमेशा एक विलेन का रोल ही देंगे, आपको विलेन ही साबित करेंगे। इसीलिए अपने सहकर्मी, अपने कर्मचारियों को हमेशा साथ में लेके चले और हमेशा उनको एक मैत्रीपूर्ण भावना बनाए रखें, तभी आपकी इमेज ऑफिस में अच्छी बनेगी। अदरवाइज सभी लोग आपको एक विलेन के रूप में ही देखेंगे। इसी के साथ आज ही मेरा वीडियो आपको पसंद आए, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे।